नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता। मेरे कुकिंग चैनल कविता की रसोई में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ मखाना का हलवा। आप ये मखाना का हलवा किसी भी व्रत में खा सकते हैं, आप इसे ऐसे भी बना के खा सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, तो आइए शुरू करते हैं मखाना का हलवा बनाना। मखाना का हलवा बनाने के लिए हमने ये सामग्रियाँ ली हैं। हमने हाफ बाउल मखाना लिया है, इसे हमने दूध में आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। हमने मखाने के अंदर सिर्फ इतना दूध डाला है कि सिर्फ हमारा मखाना उसमें डीप हो जाए। हमने हाफ बाउल शुगर लिया हुआ है, 4 टेबल स्पून हमने देसी घी लिया हुआ है, हमने 1 पिंच केसर लिया हुआ है, ये ऑप्शनल है। हमने मिक्स ड्राई फ्रूट का पाउडर लिया हुआ है, ये भी ऑप्शनल है। हमने 4 इलायची को क्रश कर लिया है। हमने 2 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर लिया है, आप ग्रेट किया हुआ कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। हमने मिक्स ड्राई फ्रूट लिया हुआ है, आप अपने पसंद के अनुसार इसमें ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। हमने 1 ग्लास मिल्क लिया हुआ है, आप मिल्क के बदले वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम मखाने के लावे का पेस्ट बनाएंगे। हम मिक्सर जार लिए हैं, अब मिक्सर के अंदर हम ये मखाने का लावा डालेंगे। और इसके अंदर अब ये जो दूध है इसको भी हम डाल देंगे। अब इसका हम पेस्ट बनाएंगे। अब हमारा मखाना पीस के रेडी हो चुका है। इतना पीसा रहना चाहिए हमारा मखाना। हमने गैस पे पैन पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। हमारा पैन गर्म हो चुका है, अब इसमें हम 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। मखाने का हलवा बनाने के लिए हम घी थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर हम मखाने का पेस्ट डालेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। और मखाने को हम अच्छे से भूनेंगे। मखाना भूनने के लिए हमें लगभग 2 से 3 मिनट लगे हैं। अब हमारा मखाना भून चुका है अच्छे से। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मिक्स करेंगे कि इसमें कोई लम्स ना रहे। हमने पूरा दूध यूज़ कर लिया है। अब इसमें हम केसर ऐड करेंगे, केसर ऑप्शनल है। हमें हलवे को कंटिन्यू चलाते रहना है। अब इसके अंदर हम शुगर ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर सकते हैं। इसमें हम ड्राई फ्रूट पाउडर ऐड करेंगे। हमारे हलवे में ड्राई फ्रूट पाउडर डालने से हलवे में पूरा ड्राई फ्रूट का फ्लेवर आएगा और थिकनेस आएगी। अब कोकोनट पाउडर यूज़ करेंगे, कोकोनट पाउडर से भी हमारे हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट कटे हुए डालेंगे। आप हलवा बनाते समय इसे कंटिन्यू चलाते रहें। अब इसके अंदर हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे, इलायची पाउडर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हलवा बनाने के लिए हमें 10 टू 12 मिनट्स लगे हैं। अब हमारा हलवा रेडी हो चुका है। इसे हम एक बाउल में सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, आप मेरे हलवे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अपने एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर शेयर कीजिए। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय।